हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टेक जी गुरु में। दोस्तों, 2023 में आज हम जिस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। ये जो लैपटॉप है, इसको डे टू डे टास्क के साथ में आप एडिटिंग, कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप है ये 60,000 के आसपास आपको मार्केट में मिलेगा और इसकी स्पेक्स कमाल की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लस आपके जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस लैपटॉप के स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि ये किस स्पेक्स के साथ आता है। तो दोस्तों, ये हमारा लैपटॉप का बॉक्स जिसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले ही कर रखी है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्प्ले भी कर रखा है। चलिए हम सबसे पहले आपको स्पेक्स के बारे में बताते हैं कि स्पेक्स क्या होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ये विक्टर सीरीज का लैपटॉप है, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है, बट आपके डे टू डे टास्क के लिए काफी अच्छा होने वाला है। हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है FA0165TX। इसके अंदर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन 12450H प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी अच्छा और काफी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोसेसर माना जाता है। बात करते हैं रैम की, तो 8GB का DDR4 रैम मिलता है, 512GB की NVMe SSD मिलती है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 15.6 FHD IPS डिस्प्ले के साथ है, जो कि 144Hz की डिस्प्ले होने वाली है और 250 nit के साथ आता है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो NVIDIA का 1650 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, 3 सेल बैटरी के साथ में है और जो बैटरी कैपेसिटी है वो 52.5 watts की होने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो लैपटॉप है ये बीस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। प्लस क्या ये लैपटॉप आपको प्रेफर करना चाहिए, क्या ये आपके बजट में आएगा और क्या ये लेना वर्थफुल है या नहीं है, हम इन्हीं सब पे आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये जो लैपटॉप है ये काफी किफायती दाम पे आपको मिल रहा है। दोस्तों, जैसे भी हमने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करी तो इसके साथ हमें मेजर तीन चीजें देखने को मिलती हैं। पहला मैनुअल, दूसरा हमारा ये लैपटॉप और तीसरा ये इसका चार्जिंग केबल और अडोप्टर। अडोप्टर जो है वो 150 वाट का है, 150 वाट का, दैट मींस हाई कैपेसिटी चार्जर है ये और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि HP की स्मार्ट पिन के साथ आएगा, प्लस साथ में काफी अच्छी पावर केबल मिलती है। फ्रेंड्स, ये तो थी चार्जर की बात, अब आते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट पे। ये हमारा लैपटॉप है जो कि विक्टर सीरीज का लैपटॉप है। ये विक्टर 15 है जिसकी लॉन्चिंग 2022 में करी गई, बट आज की डेट में ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज स्टूडेंट जो कि कोडिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल जिन्हें डिजाइनिंग का वर्कआउट करना पड़ता है और जिन्हें डे टू डे टास्क के लिए एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत है, वो इस लैपटॉप को प्रेफर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इसकी अनबॉक्सिंग बनाते हैं और प्लस ये लैपटॉप क्यों लेना चाहिए इसका भी रीजन बनाते हैं। अगर आज की डेट में आप मार्केट में जाओ और i5 प्रोसेसर देखने के लिए आप मार्केट सर्च करो तो मेजरली आपको तीन तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला है 12 जनरेशन में यू प्रोसेसर, फिर आता है पी प्रोसेसर जो कि परफॉर्मेंस बेस होता है, हाईली कोडिंग के लिए जो हम प्रेफर कर सकते हैं, और ये जो है ये एच प्रोसेसर के साथ आता है। एच प्रोसेसर में ये जो प्रोसेसर नंबर है 12450H, ये एच प्रोसेसर की स्टार्टिंग है। आगे भी आपको इसमें तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे, जिसमें 12650H और जो हाई एंड टास्क के लिए एच में ही इंटेल प्रेफर करता है वो है 12700H। तो ये एस सीरीज की बिगनिंग लैपटॉप है जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली है। दोस्तों, अगर हम पी प्रोसेसर को भी मार्केट में कंपेयर करते हैं तो वो 65 to 75 की रेंज में आपको किसी भी ब्रांड में मिल जाएगा, बट उसके साथ आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है। ये इकलौता लैपटॉप है जो एच प्रोसेसर के साथ आता है, प्लस जो GTX सीरीज का स्टार्टिंग ग्राफिक कार्ड है 1650 आपको इसमें देखने को मिल जाता है। दैट मींस आपको डे टू डे वर्क में तो ये काम आएगा, प्लस अगर आप हाई एंड टास्क करना चाहेंगे, दैट मींस एडिटिंग करना चाहेंगे, कोडिंग करना चाहेंगे, प्लस अगर आप गेम
प्रेफर करते हैं डे टू डे, कभी अपनी लाइफ में गेम भी खेलना चाहेंगे तो परफॉर्मेंस काफी बीच निकाल के दे देगा, तो ये लैपटॉप आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये आपको ब्लू कलर के अंदर एचपी देता है, जो कि एक काफी प्रोफेशनल लुक के अंदर आता है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस लैपटॉप में लगी, ये गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी एक प्रोफेशनल लुक के साथ आता है, आपको कहीं से भी ये गेमिंग लैपटॉप नहीं लगता है। एचपी ने जो इसकी डिजाइन भी बनाई है वो काफी प्रीमियम है। ये ब्लू कलर का लैपटॉप है, प्लस बिल्ड क्वालिटी जो है वो इसकी काफी अच्छी है। देखिए आप बिल्ड क्वालिटी बात करेंगे, ये 2 किलो 300 ग्राम का लैपटॉप है और कहीं से भी आपको एक गेमिंग लैपटॉप का फील नहीं देता है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पैनल भी आपका ब्लू कलर में आता है, जिसमें आपको एक काफी अच्छा कीबोर्ड स्पेस मिल जाता है और की ट्रैवलिंग आपकी काफी प्रीमियम होने वाली है। प्लस जो कीबोर्ड है वो बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, जो कि व्हाइट कलर आपको प्रोड्यूस करके देता है। दैट मीन्स अगर आप रात में भी ये लैपटॉप यूज करना चाहेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। प्लस बात करते हैं इसके अपर पैनल की, तो यहाँ पे वी का आपको सिंबल मिलता है। बेसिकली ये डिजाइन है, ये कोई स्पीकर नहीं है, क्योंकि इसके स्पीकर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। प्लस बात करते हैं इसका ट्रैक पैड की, तो जेस्चर सपोर्ट के साथ ये ट्रैक पर आता है और काफी बड़ा ट्रैक पैड एचपी आपको देता है, ताकि आप अपने डे टू डे टास्क इजिली कर सकें। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको इंटेल का स्टिकर, i5 12th generation, एनवीडिया जी फोर्स ग्राफिक कार्ड का स्टिकर, 144Hz का डिस्प्ले, प्लस B&O की ब्रांडिंग, जो कि एक काफी प्रीमियम ब्रांड माना जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। इसके जो स्पीकर हैं वो आपको मर्सिडीज और ऑडीज में देखने को मिलते हैं। प्लस आप अगर देखेंगे दूसरी तरफ तो यहाँ आपको एचपी सपोर्ट का स्टिकर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप कस्टमर केयर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से। प्लस अगर हम पैनल की बात करते हैं तो पैनल काफी प्रीमियम दिया गया है। इस पैनल को मैं बता दूं, ये 144Hz का पैनल है, दैट मींस आप हाई रेफरेंस रेट भी आप इस लैपटॉप के साथ ले सकते हैं। मार्केट में बेसिकली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 60Hz और 90Hz और 120Hz के ही रेफरेंस रेट मिलेंगे, बट एचपी आपको मिड बजट के अंदर 144Hz डिस्प्ले देता है। फुल HD IPS पैनल के साथ ये डिस्प्ले आता है, तो कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी होने वाली है। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, कलर गैमेट काफी प्रीमियम है और काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ये लैपटॉप है। साथ में आपको फ्रंट पैनल पे ही 720 पिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है, जो कि ड्यूल माइक के साथ में आता है, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी भीड़भाड़ एरिया में हैं और वीडियो कॉलिंग या माइक कैमरे का यूज करते हैं तो पीछे की जो नॉइज है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर नॉइज रिड्यूस सिस्टम भी आ रहा है। प्लस फ्रंट पैनल पे अगर आप देखेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो इसके हिंजेस हैं वो काफी अच्छे हैं। आप देखेंगे हिंजेस में आप किसी भी लेवल पे इसे स्टक कर सकते हैं, ये लैपटॉप बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो हिंजेस की क्वालिटी भी कंपनी ने काफी बेटर दी है। दोस्तों बैक पैनल की बात करते हैं तो एक प्रीमियम लोगो के साथ, बिकॉज ये विक्टर सीरीज का लैपटॉप है, तो वी का सिंबल आपको मिलेगा, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लोगो आपको देता है और काफी अच्छी फील के साथ आता है। प्लस इसी के नीचे विक्टर्स की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको काफी अच्छा एयरबेंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस जब आप हाई एंड इसको यूज करेंगे तो इसको काफी ठंडा लगता है। तो एयर एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो इसके नीचे काफी बड़ा दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके नीचे वाले हिस्से की, तो यहाँ पे आप देखिए ये एयर विंड्स है। हाँ यहाँ पे पूरा एयर विंड्स ब्लॉक है, बट GPU और CPU जहां पे आपको थर्मल कूलिंग मिलती है वो आपके खुले हुए हैं, तो इस एरिया को भी खोलना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, एयर वेंटिलेशन इसमें काफी अच्छी दी गई है। साथ में नीचे आपको विंडोज का स्टिकर मिल जाता है, प्लस 22W के आपको नीचे ही डाउन स्पीकर मिलते हैं, जो कि साउंड क्वालिटी को काफी अच्छी बनाते हैं। साथ में आपको एक अच्छी क्वालिटी की रबर ग्रिप मिलती है, जो कि लैपटॉप को जमीन से सटने से बचाएगा और जो एयर वेंटिलेशन है उसका फ्लो काफी अच्छा जाता है। देखिए इस तरीके से जब आप ये लैपटॉप रखते हैं तो लैपटॉप में कम से कम हम देखेंगे तो आपका पूरा हाथ अंदर चला जा रहा है, ये देखिए। तो इससे बेनिफिट ये है कि एयर वेंटिलेशन काफी अच्छी मिलने वाली। दोस्तों बात करते हैं इसके अपर पैनल की, तो यहां पर आप देखिए फ्लेक्स ना के बराबर है, बिकॉज ये सॉलिड हार्ड फाइबर से बना है, तो फ्लेक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको उसके लिए डिस्टर्ब होना पड़े। बात करते हैं कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर है। दोस्तों हम हाई प्रेशर के बाद भी देखते हैं
कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर है, तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम होने वाली है। एचपी ने इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी में काफी ध्यान रखा हुआ है दोस्तों। साथ में चलिए हम पोर्ट की बात कर लेते हैं कि इस लैपटॉप के साथ आपको कौन कौन से पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट चार्जर का ऑप्शन मिलता है, प्लस आपको एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, जो यूएसबी पोर्ट है ये, जो कि स्लीप चार्जर को सपोर्ट करता है। प्लस आपको एक माइक का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कोई भी अपना हेडफोन जैक अटैच कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरी तरफ, तो यहाँ भी हमें आपको एक स्मार्ट आपको HDMI का ऑप्शन मिलता है, एक टाइप ए USB मिल जाती है, साथ में एक लैन पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आजकल बेसिक लैपटॉप में या प्रीमियम सीरीज के भी लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस टाइप सी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि स्लीप चार्जिंग, प्लस आप इससे 4K वीडियो आउटपुट भी ले सकते हैं। तो वो सारे नेसेसरी सपोर्ट इस लैपटॉप के अंदर HP आपको देता है, जो कि आपको अपने डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है दोस्तों। साथ में अगर हम देखते हैं इसके स्पीकर की, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसका स्पीकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो चलिए हम इसके एक बारी साउंड भी देख लेते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है दोस्तों। आपने देखा इस बंद कमरे के अंदर भी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। तो ये जो स्पीकर है ये नीचे होने की वजह से आपको सराउंडिंग साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है, और जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। प्लस दोस्तों साथ में मैं आपको एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, इस लैपटॉप के साथ साथ आपको Windows 11 MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिलता है। तो जब भी आप लैपटॉप लेंगे तो ओरिजिनल विंडो, ओरिजिनल MS Office आपको इसमें मिलता है। साथ में HP आपको कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी देता है, जिसकी मदद से आप इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिटिंग करते हैं या आप कोडिंग कर रहे हैं, तो उस समय CPU और IGPU सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। कोडिंग के समय में आपका CPU और एडिटिंग के समय में आपका GPU सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड पर ही ओमेन कमांड सेंटर का ऑप्शन मिलता है। इस लैपटॉप में HP आपको ओमेन कमांड सेंटर का ऑप्शन देता है, तो आप जब भी हाई एंड टास्क करेंगे तो जैसे ही आप ओमेन कमांड सेंटर को ओपन करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको पैनल देखने को मिलेगा। ये ओमेन कमांड सेंटर का पैनल है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे यूजफुल ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको मिलता है गैलरी का ऑप्शन। गैलरी में सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो है कस्टमाइज वॉलपेपर का ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पे आप कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर आपको देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप यहां जाके कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं। गैलरी के अंदर हम जाते हैं और गैलरी के अंदर हमें यहां पे बहुत सारे कस्टमाइज वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मुझे इस वॉलपेपर को सेट करना है, तो मैं इसे यहां से ओपन करूंगा और यहां से सेट बैकग्राउंड। जैसे ही मैंने यहां पे सेट बैकग्राउंड किया, ये वॉलपेपर अप्लाई होगा और आपकी मेन स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का आ जाता है, जिससे आप बहुत ही HD क्वालिटी के वॉलपेपर इस लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, जो काफी प्रीमियम फील भी देता है। प्लस बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस इनहेंस करने की, तो यहाँ पे HP विक्टस का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप इसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। विक्टस पे आपको बेसिकली अगर आप आएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क मोड मिलता है। नेटवर्क मोड पे जो भी आपकी बेस्ट एप्लीकेशन है उनकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। साथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस मोड मिलता है। परफॉर्मेंस मोड पे जब भी आप हाई एंड टास्क कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फैन स्पीड का। यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक कर दीजिए और जो ये लैपटॉप है वो अकॉर्डिंग टू आपके वर्क के हिसाब से फैन की स्पीड को काफी अपर लेवल तक ले जाएगा। आप देखिए मैंने फैन की स्पीड को बढ़ाया और आप साउंड फील कीजिए। आप देखिए इस अब जो आप काम करेंगे, हाई एंड टास्क करेंगे, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी निकल के आने वाली है,
बिकॉज ये जो थर्मल है, ये जो फैन है, ये आपके IGPU और CPU दोनों को काफी कूल रखेंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा जो कि आपको एक प्रीमियम फील के साथ मिलता है। तो दोस्तों ये आपने देखा HP ओमेन कमांड सेंटर कितना यूजफुल है। दैट मीन्स अगर आप हाई एंड टास्क करते हैं तो भी आप मशीन की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं इस ऑप्शन पे आके। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो इसको ओके मोड पे रखिए, आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट कर दीजिए, सिस्टम अपने हिसाब से सिंक्रोनाइज करता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप फैन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने फैन की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि काफी बेटर ऑप्शन लगा। तो अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं तो ओमेन कमांड सेंटर का यूज जरूर कीजिए अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस सिस्टम से निकालने के लिए। साथ में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 720 पिक्सल का कैमरा मिलता है, तो कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरीके की होने वाली है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफी अच्छी यूज होगी। तो ये कैमरा क्वालिटी होगी दोस्तों। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। तो फटाफट मैं आपको एक बार स्पेक्स शीट दिखाना चाहूंगा कि इस लैपटॉप के साथ आपको क्या स्पेक्स मिलता है। वैसे तो हमने स्पेक्स शीट देख लिए, फिर भी इंटरनल देखना बहुत जरूरी है। हम जैसे टास्क बार में जाते हैं तो सबसे पहले हम CPU की बात कर लेते हैं। अगर हम CPU की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे i5 12th generation 1250H प्रोसेसर है जिसकी बेस स्पीड है 2 GHz की। तो आपने देखा जो बेस स्पीड है वो 2 GHz की है और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी 4.4 GHz है। टर्बो बूस्ट होकर आप मैक्सिमम इस CPU को यूज कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 कोर मिलते हैं जिसमें 4 and 4 कोर में ये डिवाइड होता है, 4 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर। प्लस बात करते हैं थ्रेड की तो इसमें 12 थ्रेड के साथ है और कैसे इसके अंदर 12 MB की आपको दे रहे हैं, तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव प्रोसेसर आपको मिलता है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं रैम की। तो इसमें 8 GB की DDR4 रैम मिलती है जिसकी क्लॉक स्पीड है 32 MHz की। सिंगल चैनल रैम है, आप एक और स्लॉट इसमें आपको मिलता है जिसे आप 16 GB तक अपडेट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें SSD की। तो इसमें सैमसंग की SSD मिलती है जो कि 512 GB की है। सैमसंग एक काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड ब्रांड है तो इसकी रीड राइट स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी। बात करते हैं दोस्तों वाईफाई की। तो इसमें Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है जो कि सारी बेटर कनेक्टिविटी के साथ है और आज के टाइम में जो भी कनेक्टिविटी डिवाइस है उन सब के साथ एक कंफर्टेबल होता है। इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक आपको मिलता है 3.8 GB का जो कि आपकी रैम को ही शेयर करता है। बात करते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की। तो GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है 4 GB का डेडिकेटेड DDR6 ग्राफिक कार्ड है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो ये इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल लैपटॉप और एक गेमिंग लैपटॉप में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपका बजट 60-70 के बीच है और आप एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप इस लैपटॉप को अपनी बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है जो HP विक्टस में आपको मिल रही है। ये काफ़ी किफ़ायती और पॉकेट फ्रेंडली कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस डे टू डे के साथ हाई एंड टास्क को भी ये काफ़ी अच्छा बना देती है। ये मेरी पूरी कंप्लीट डिटेल थी दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लेटेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कोऑर्डिनेट कीजिए, जो भी बेस्ट प्राइसिंग बेस्ट ऑफर होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। साथ में जो भी हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।